तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हेरा फेरी 3 मूवी आने वाली है और हेरा फेरी 1 और 2 काफी हिट साबित रही है और आज तक उसके मीम्स चलते हैं। तो हमें हमारा राजू कमबैक हो रहा है बाबा, ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। और एक फोटोज भी बहुत वायरल हो रही है जो कि सब बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि ये शूटिंग की है और कुछ लोग बोल रहे हैं प्रोमो पिक है। तो ये अभी पक्का अपडेट नहीं है इस फोटो के पीछे क्या है। बाकी मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये शूटिंग से रिलेटेड होगी क्योंकि जिस तरीके से पीछे CGI का वगैरह पूरा सेटअप दिख रहा है या प्रोमो पिक हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं हेरा फेरी 3 के जो विलन होने वाले हैं वो संजय दत्त होने वाले हैं। संजय दत्त की मूवी हम बचपन से ही देखते हुए के बड़े हुए हैं, आप सभी को मालूम है। और आजकल ट्रेंड पे संजय दत्त इसलिए छा रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि उनका विलन में कितना भयंकर रोल रहा है जो KGF 2 में रहा है। तो KGF 2 में संजय दत्त का नाम सुनते तो मुझे एक ही चीज आया था याद में, अधीरा। अब अधीरा को तो कोई भूल नहीं सकते, एक्टिंग बिल्कुल सुपर मस्त करी थी यार, मेरे को तो बहुत पसंद आया था। और हेरा फेरी 3 में भी वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं कॉमेडी की, क्योंकि कॉमेडी की तो शुरू से ही एक नंबर रहे हैं और मुझे तो बहुत पसंद आएगा। और लेकिन 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 मैं ये चाहता हूँ कि इस मूवी में कबीरा स्पीकिंग को भी होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कबीरा स्पीकिंग इन्हीं सबसे ही जान बनेगी, और साथ में जॉनी लीवर को भी होना चाहिए, उनका तो एक्टिंग में यार कुछ अलग ही वाइब है। और हमारे जो बटले साहब है उनको भी होना चाहिए, बटले साहब आप समझ गए होंगे जो बांडिया बांडिया नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, और साथ में 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा। उनकी भी एक्टिंग लाजवाब थी और काफी मीम्स भी इनकी वायरल हुई है। तो मेरा ये कहना है कि इनको भी ले, क्योंकि छोटे छोटे जरिए से है ना एक कॉमेडी लेवल हाई होती है। तो मेरा तो ये कहना होगा अगर हेरा फेरी 3 में ये लोग आ जाएंगे तो आतंक का दूसरा नाम बाहुबली बन जाएगा बाबा। और लगभग लगभग आप सभी को पता है कि इनकी शूटिंग खत्म होने वाली है। अगर अक्षय कुमार चाहे तो एक महीने में भी शूटिंग खत्म कर सकते हैं क्योंकि उनका तो अलग ही वाइब है, लेकिन उनके दिन भी खराब चल रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि इस शूटिंग को थोड़ा आराम से सोच समझ के बनाओ, इतनी जल्दी खत्म मत करना क्योंकि अभी वैसे भी बॉलीवुड के दिन खराब चल रहे हैं और अक्षय कुमार के तो कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, बहुत सारी मूवी डूब चुकी है अक्षय कुमार की। तो यही एक लास्ट उम्मीद है जो कि सबको उम्मीद है कि हेरा फेरी, क्योंकि 1 और 2 दोनों हिट साबित रहे हैं तो 3 भी करवाना है यार इसलिए। और आप लोग क्या सोचते हो हेरा फेरी की 3 के बारे में, कि चलेगी कि नहीं चलेगी वो कमेंट करके बताना। और क्या लगता है चलेगी? मेरा तो ये कहना है कि चल सकती है क्योंकि भाई ज्यादा ही क्रेज है लोगों को हेरा फेरी 3 में, क्योंकि काफी साल बाद ये अनाउंस हुआ है तो काफी तो वाइब हो गई। आप 2023 में तो बड़ी बड़ी मूवी आने वाली है, तो 2023 तक अगर हेरा फेरी 3 आ जाती है तो और भी मजे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो की तरफ, आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।